हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर ए डे ट्रिप अराउंड मुंबई एंड ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज एलिफेंटा केव्स। तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ टू रीच एलिफेंटा केव्स, बेस्ट टाइम टू विजिट, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिफेंटा केव्स, थिंग्स टू कैरी, फेरी बोट टिकट्स प्राइस, टाइमिंग, फ्रिक्वेंसी, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। सो मेरा है आज मुंबई में डे वन और मैं निकल गई हूँ आज गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। आप CSTM रेलवे स्टेशन से बस या ऑटो तक यहाँ आ सकते हैं। जैसे ही अगर आप बस से उतरेंगे तो बस के अपोजिट डायरेक्शन में आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, जहाँ से आपको एलिफेंटा केव्स के लिए टिकट अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पहुँचने के बाद में काउंटर नंबर 4 पे जाना है, जहाँ पे आपको एलिफेंटा केव्स की टिकट मिलेगी। और आप यहां पे टिकट प्राइस देख सकते हैं, 260 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 170 रुपीज़ फॉर चाइल्ड है। सो मैंने यहां से 260 रुपीज़ की टिकट ले ली है। अब मैं जा रही हूं बोट राइड की तरफ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पीक सीज़न में गई थी, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें अपर डेक में बैठने की परमिशन नहीं मिली थी। बट इनकेस अगर आप नॉर्मल डेज में जाते तो ओनली 10 रुपीज़ दे के आप अपर डेक में बैठ के एलिफेंटा केव्स की तरफ जा सकते हैं। फेरी बोट की अगर बात करें तो ये गेटवे ऑफ इंडिया से सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है और लास्ट फेरी जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स की तरफ जाती है उसका टाइमिंग 3 o'clock है। सो आप 9 to 3 के बीच में कभी भी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स की तरफ जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, एलिफेंटा केव्स मंडे को बंद रहता है। आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जाने के लिए 1 hour का टाइम लगता है। द सेम वे रिटर्न आने में भी आपको 1 hour का ही टाइम लगता है। और ये फेरी बोट्स आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एंड एलिफेंटा केव से हर 30 मिनट्स की फ्रिक्वेंसी पे अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको एलिफेंटा केव से वापस रिटर्न गेटवे ऑफ इंडिया आना है तो फर्स्ट रिटर्न बोट आपकी वहाँ से 12 बजे चलती है एंड लास्ट रिटर्न बोट वहाँ से 5:30 को चलती है। तो आप इसके बीच में कभी भी एलिफेंटा केव से गेटवे ऑफ इंडिया आ सकते हैं। जैसे ही आप बोट से उतरेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली भी हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉय ट्रेन राइड भी इंजॉय करनी है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की टिकट मिलती है, जो कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसके आगे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए इस व्लॉग के पार्ट 2 में।